भारत का वो सबसे पुराना किला जिसकी गुत्थी सुलझाने में हर किसी के छूट गए हैं पसीने। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धर्मशाला से लगभग 20 किलोमीटर दूर कांगड़ा शहर के बाहरी इलाकों में स्थित कांगड़ा किला भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है। यह भारत के सबसे बड़े किलों में से एक भी है जो सूची 8वें पायदान पर है। लगभग 4 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए शिवालिक पहाड़ी पर 463 एकड़ में फैला हुआ है। माझी और बाणगंगा नदियां इस प्राचीन किले के आधार पर संगम करती हैं। यहां आप धौलाधार का खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हैं। चलिए आपको भारत के पुराने किलों के कुछ दिलचस्प बातों के बारे में बताते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार लगभग 3500 साल पहले कटोच वंश के महाराजा सुशर्मा चंद्र ने कांगड़ा का किला बनवाया था। हालांकि कई लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि उन्होंने महाभारत की लड़ाई में कौरव राजकुमारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। एक बार युद्ध समाप्त होने के बाद वह अपने सैनिकों के साथ कांगड़ा चले गए। वहां उन्होंने त्रिगर्त की बागडोर संभाली और दुश्मनों से अपने राज्य की रक्षा के लिए इस किले का निर्माण किया। कांगड़ा किले के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि किले में जो कोई भी प्रवेश करता था उसे गार्ड द्वारा सिर काटने की इजाजत दी हुई थी। किले में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को सिर काटने की इजाजत इसीलिए दी गई थी क्योंकि ये खबर दूर दूर तक फैल गई थी कि किला खजाने से भरा हुआ है और महमूद गजनी सिकंदर महान और अन्य कई राजाओं ने इस पर कब्जा करने का भी प्रयास किया था। खैर, ऐसा कहा जाता है हिंद और अन्य शासक ने घर के मंदिर में पीठासीन देवता को चढ़ाने के लिए किले में विशाल गहने सोना और चांदी भेजा करते थे। वे ऐसा करके पुण्य कर्म अर्जित करना चाहते थे, इसीलिए कांगड़ा किले में धन का जमाव होना शुरू हो गया जो बाद में किसी के लिए भी इसकी सीमा का पता लगाना मुश्किल हो गया। किले के खजाने में रखे धन की मात्रा पौराणिक है। ऐतिहासिक रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर के राजा श्रेष्ठा 470 ईस्वी में कांगड़ा किले पर हमला करने वाले पहले राजा थे। यहां तक कि महमूद गजनी ने भी 1000 ईस्वी के आसपास किले की संपत्ति की खोज में अपनी सेना को उतारा था। ऐसा माना जाता है कि किले में 21 खजाने के कुएं हैं जिनमें से प्रत्येक की गहराई 4 मीटर गहरी और 2.5 मीटर चौड़ी है। 1890 के दशक में गजनी के शासक 8 कुओं को लूटने में सफल रहे जबकि ब्रिटिश शासकों ने 5 कुओं को लूट लिया था। ऐसा कहा जाता है कि किले में अभी भी खजाने से भरे 8 और कुएं हैं जिनका पता लगाना अभी बाकी है। अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में इस किले पर कब्जा करने के 52 असफल प्रयास किए। किला आखिर में ब्रिटिश सैनिकों के हाथों में चला गया और तब तक रहा जब तक कि अप्रैल 1905 में एक भीषण भूकंप ने इसकी मजबूत नींव को हिला नहीं दिया। किला एक लंबी बाहरी सीक्रेट के माध्यम से दोनों तरफ 4 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। यह राजसी विशाल भागों और काले पत्थर से बनी विशाल द्वारों द्वारा संरक्षित है। महल के प्रांगण के नीचे अंबिका देवी, लक्ष्मी नारायण और महावीर के मंदिर हैं। किले में 11 द्वार और 23 गढ़ हैं। मुख्य मंदिर के द्वार के ठीक बाहर सबसे प्रमुख रक्षा द्वार है जिसे अंधेरी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। यह 7 मीटर लंबा और चौड़ा है जिसमें से 2 आदमी या 1 घोड़ा गुजर सकता है। दरवाजे का निर्माण दुश्मन सैनिकों के हमले को रोकने के लिए किया गया था। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद AASI ने एक निश्चित समझौते के तहत कटोच राजवंश के महाराजा जयचंद्र को किला वापस कर दिया। अब शाही परिवार मंदिरों का उपयोग करता है। अगर आप भी कांगड़ा किला देखना चाहते हैं तो पास का हवाई अड्डा गगल हवाई अड्डा है।
यह कांगड़ा घाटी से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। दिल्ली से धर्मशाला के लिए फ्लाइट लें और फिर किले तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। वैकल्पिक रूप से पर्यटक दिल्ली से कांगड़ा के लिए सीधी बस भी ले सकते हैं, जिसमें डेस्टिनेशन तक पहुंचने में लगभग 13 घंटे लगते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तब तक टेक केयर।